गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज विद्यार्थियों, मैं आपको भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ाऊंगी। कक्षा 12th के जो विद्यार्थी हैं, उनके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है भारत की विदेश नीति। और जो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, इन सब में भी भारत की विदेश नीति वाला जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति, आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, हमारा भारतीय संविधान, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विदेश नीति के बारे में बताता है। और हमारे भारत की विदेश नीति के अनुच्छेद 51 में जो वर्णित है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का प्रतिपादन करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि भारत की विदेश नीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का ही परिणाम था कि अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का प्रतिपादन किया गया। अब बात ये आती है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है भारत, भारत विदेशों में अपनी विदेश नीति के संबंध में किन किन उद्देश्य को ध्यान में रखता है, इस बात को देखिए। पहला है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन। इसकी डिटेल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है गुटनिरपेक्षता होती क्या है। आप सब जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के समय या आजादी के बाद विश्व दृष्टिकोण को ध्यान में रखें तो विश्व में दो महाशक्तियां थी विद्यार्थियों, एक था आपका अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी आपकी रसिया। इन दोनों महाशक्तियों का मेन उद्देश्य था, अमेरिका पूंजीवाद का प्रचार कर रहा था जबकि रसिया साम्यवाद का प्रचार कर रहा था। दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि विश्व के राष्ट्रों में इस विचारधारा का आधिपत्य स्थापित करना और अपने अपने गुट में विश्व राष्ट्रों को शामिल कर रही थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने समस्या आई कि वो किस गुट में शामिल हो, तो उस समय भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। कौन सी नीति का विद्यार्थियों? स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया भारत ने। और इसी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के कारण ही भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति बनाई, और इसी का नाम है विद्यार्थियों गुटनिरपेक्षता। और इसी गुटनिरपेक्षता आज न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व राष्ट्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। यूएनओ के बाद जिसके सबसे ज्यादा सदस्य है वो है आपका गुटनिरपेक्षता नाम, जो बोलते हैं जिसको गुटनिरपेक्षता आंदोलन के नाम से जिसको जाना जाता है। इस गुटनिरपेक्षता की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन भारत का मेन उद्देश्य यही था कि भारत के अलावा बाकी विश्व के देश भी इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएं, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें, किसी विदेशी आधिपत्य से मुक्त होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं। इसी ये भारत की विदेश नीति का मेन मोटिव था कि गुटनिरपेक्षता को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। उसके बाद है उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन। देखो विद्यार्थियों, उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन या उपनिवेशवाद को समाप्त करना है। भारत स्वयं उपनिवेशवाद की विभीषिका को झेल चुका था। भारत के अलावा एशिया और अफ्रीका के कई राष्ट्र यूरोपियन महाशक्तियों के उपनिवेश बने हुए थे। भारत ने खुद उपनिवेशवाद की विभीषिका को झेला था, तो उसने विश्व राष्ट्रों को धीरे 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 करके यूरोपियन आधिपत्य से मुक्त कराने की रणनीति अपनाई और जो भी उपनिवेशवादी देश थे उनको समर्थन प्रदान किया। तो भारत की मेन विदेश नीति का उद्देश्य यही रहा कि विश्व राष्ट्रों में उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए। उसके बाद है जाति भेद और रंग भेद।
जाति भेद और रंग भेद को इस विश्व से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जहां पर भी जाति भेद, नक्सलवाद, जहां पर भी ये समस्या पाई गई, उन सब का विरोध भारत ने किया है। श्रीलंका में जाति भेद था, उसका विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद और रंग भेद के खिलाफ हुआ। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभुत्व भारतीय विदेश नीति पर पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ना केवल भारत में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी गोरे व काले के बीच में जो भेदभाव था उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखना, जाति भेद और रंग भेद व साम्राज्यवाद का विरोध ब्रिटेन ने हमारे भारत के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर रखा था। इंग्लैंड ने ना केवल भारत बल्कि अन्य एशियन राष्ट्रों पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर रखा था। तो भारत की विदेश नीति का मेन मोटिव यही था कि साम्राज्यवाद का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। उसके बाद है विश्व शांति को प्रोत्साहन। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर अनावश्यक आक्रमण नहीं किया है, किसी दूसरे देश के आक्रमण का प्रतिरोध किया है, कभी भी किसी दूसरे देश की जो भौगोलिक सीमा थी उस पर अतिक्रमण भारत ने कभी नहीं किया। भारत हमेशा से यही चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, तो विश्व शांति को प्रोत्साहन दिया। और भारत हमेशा यही कहता है कि विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। इसी नीति का अनुसरण भारत करता है। तो ध्यान रखना, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देना, उपनिवेशवाद को हतोत्साहित करना, जाति भेद, रंग भेद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, विश्व शांति को प्रोत्साहन देना, विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना और राष्ट्र, ये जो है भारत की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य है। अब बात आती है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित किसने किया। भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन आप जानते हो पाकिस्तान कश्मीरी विवाद को लेकर अनाक्रमण हस्तक्षेप भारत में करता है, तो भारत ने उसका राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उसका प्रतिरोध भी किया है। और आप सब जानते हैं इसी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए 1971 में जब बांग्लादेश की सीमा विवाद का मसला आया तो भारत ने राष्ट्रीय हित का ध्यान में रखते हुए रूस के साथ 20 वर्षीय समझौता भी किया था। तो आपने यहीं पर यह देखा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राष्ट्रीय हित के आधार पर ही हर देश की विदेश नीति का निर्धारण होता है। ठीक है, तो सबसे मेन होता है अपनी देश की अखंडता को सुरक्षित रखना, ये मेन जो राष्ट्रीय हित होता है, जो दीर्घकालीन हित होता है। कोई भी राष्ट्र इस बात पर कभी भी समझौता नहीं कर सकता, तो राष्ट्रीय हित को ध्यान रखता है। बात रही विचारधारा, भारत की विदेश नीति को हमेशा यहाँ की विचारधारा ने बड़ा ही प्रभावित किया है, क्योंकि हमारा भारत की विचारधारा ये कहती है कि सत्य, अहिंसा, युद्ध न करना, समानता, आदर देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव रखना, ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना का होना, इन सब विचारधाराओं ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। उसके बाद आता है भौगोलिक तत्व। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, भौगोलिक तत्व का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज हम जानते हैं कि जब हम जो रह रहे हैं वो हिंद महासागर के आसपास वाले इलाकों में रह रहे हैं, तो हमें हमेशा से चाइना के आक्रमण का खतरा बना रहता है, अमेरिकन आक्रमण का खतरा बना रहता था। तो हमने हिम्मत से संगठन बनाया, कई एशियन संगठन बनाए, एशिया अफ्रो संगठन, नेहरू जी ने 1947 में एशियन और अफ्रो संगठन का निर्माण किया, सार्क संगठन बनाया, आशियान संगठन बनाया। तो कई ऐसे जो संगठन बनाने के पीछे उद्देश्य था भौगोलिक कारण। उसके बाद ये सारी चीजें जो है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अब बात आती है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या है, वो देखिए विद्यार्थियों। पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत का मेन मोटिव यही रहता है
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना, विश्व राष्ट्रों में शांति को बढ़ावा देने वाली रणनीति अपनाना, जैसे कि स्वेज संकट जो कि 1956 में आया, इसके अलावा अरब इजराइल 1967 में आया, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, भारत और चाइना युद्ध के समय या भारत ये या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ उस समय हमेशा शांति को बढ़ावा देने वाली संधि और समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत हमेशा से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया, सिंधु जल समझौता किया, बांग्लादेश के साथ फरक्का जल समझौता किया, कई जल समझौते किए ताकि विश्व राष्ट्रों में शांति बनी रह सके, किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। उसके बाद आता है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने जितने भी अफ्रीकन राष्ट्र थे, नामीबिया है, इसके अलावा कई जो अफ्रीकन राष्ट्र थे, कई जो एशियन राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने में, वहां से उपनिवेशवाद को खत्म करने में मैन योगदान रहा है आपके भारत का। तो भारत हमेशा से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, रंग भेद का हमेशा से क्या किया है, विरोध किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंचशील का नारा दिया भारत और चाइना ने मिलकर, भारत और चीन ने मिलकर के 1954 में पंचशील का सिद्धांत दिया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन फिर भी आज जो हमारा चाइना है वो भारत के विरुद्ध हमेशा रणनीतियां अपनाता रहा है और अभी भी भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद, नेफा विवाद, इधर आपका वो ये इधर चाइना और जो आपका कश्मीरी विवाद है वो भी चाइना के साथ चल रहा है, सिक्किम विवाद चल रहा है, तो कई ऐसे विवाद आज भी चल रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई ने मिलकर 1954 में भारत चीनी भाई भाई और पंचशील का सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों। तो यहाँ से क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पुटअप हो सकता है कि पंचशील का सिद्धांत किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में दिया और भारत आज भी इस रणनीति पर चल रहा है। समानता, हर देश दूसरे देश के साथ समानता का व्यवहार करेगा, कोई देश छोटा या बड़ा नहीं होगा, सबको सम्मान या आदर के भाव से देखा जाएगा। हस्तक्षेप, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनाक्रमण, कोई भी देश दूसरे देश पर अनावश्यक आक्रमण नहीं करेगा। शांतिपूर्ण, सभी देश एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर काम करेंगे, सभी राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान और आदर करेंगे, ये सारे पांच तत्वी पंचशील के सिद्धांत कहलाए विद्यार्थियों। पहला समानता, दूसरा हस्तक्षेप, तीसरा अनाक्रमण, चौथा सम्मान, पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये पांचों सिद्धांतों को ही हम पंचशील के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। अब आता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन देना भी भारत की विदेश नीति के मूल तत्वों में शामिल था और यही कारण था कि भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, जिस यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और भारत ने इस पर 30 अक्टूबर 1945 में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। यूएनओ के अलावा भी जितने भी विश्व में कई संस्थाएं हैं भारत उसका सदस्य रहा है। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि विश्व राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उन सभी संस्थाओं में भारत अपनी संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन देना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद आता है लास्ट आपका गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता, गुटों से अलग रहने की नीति, इसको तटस्थता की नीति नहीं कहेंगे विद्यार्थियों, ये गुटनिरपेक्षता की नीति है।
और इंदिरा गांधी ने भी कहा था गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है और इंदिरा गांधी के समय जो है गुट निरपेक्षता जो है का पलड़ा एक तरफ भारी हो गया था ऐसा माना जाता रहा है। आप सब जानते हैं 1991 में जो है भारत और रूस की जो दो ध्रुवीय राष्ट्रीयकरण की जो नीति थी महाशक्तियों का जो दौर था वो खत्म हो चुका था तो कई राष्ट्रों ने ये भी कहा कि गुट निरपेक्षता का अब कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बच्चों आज भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के रूप में गुट निरपेक्षता का अपना नाम है जिसकी स्थापना भारत ने की। भारत ने मिलकर के कई देशों के साथ मिलकर के जिस गुट निरपेक्षता का गठन किया आज कई समस्याओं का समाधान जैसे आज की मेन इम्पॉर्टेंट समस्या है बच्चों आतंकवाद, तो आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के रूप में भूमिका अदा करता है आपका गुट निरपेक्षता। तो ध्यान रखना है भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध, पंचशील का विरोध कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन और गुट निरपेक्षता की नीति। ये भारत की विदेश नीति के कुछ आधार है। आगे के वीडियोस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है, कहाँ कहाँ इसके सम्मेलन हो चुके हैं, इनके उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना किसने की, इन सब के बारे में विद्यार्थियों हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं जो कक्षा 12 के विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्कूल लेक्चरर वाले विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो इस पूरे वीडियो को देखे, कमेंट्स दे, लाइक करे, शेयर दे, ताकि मैं आगे से आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बना सकूं, अपने आप को मोटिवेट कर सकूं कि हाँ सब विद्यार्थियों ने मेरे वीडियो को देखा है। इसी के साथ आप नव भारती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थियों, धन्यवाद।